वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड, आज है गुरु नानक पर्व और गुरु नानक जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का ये जो व्लॉग है ना, आज सुबह से छुट्टी है तो आज आराम से उठी हूँ सो के और आराम से ही सारा काम कर रही हूँ। तो अब नहा धो के पूजा पाठ करके पूरी साफ सफाई हो गई है और अभी बज रहे हैं 10:30। तब तक मैंने पूरे घर का काम कर लिया है और नहा भी ली हूँ। तो अब मैं चलती हूँ लड्डू बनाने के लिए बेसन के, क्योंकि मंदिर में ना तुलसी जी की विदाई है। जो उस दिन शादी हुई थी ना, तो आज ना पूर्णिमा के दिन उनकी विदाई है, तो बस उसी का प्रोग्राम है छोटा सा। उसमें जाने के लिए मैंने कहा खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी, ये लड़की की विदाई करनी है, तो मैंने कहा थोड़े से लड्डू बना लेती हूँ देसी घी के अपने हाथ के, और थोड़े से फ्रूट्स ले लूंगी, तो बस वही लेके चली जाऊंगी। तो अभी तो कर रही हूँ, 10:30 बज रहे हैं, अभी तो मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो 1 घंटा तो लग जाएगा लड्डू बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ही बनाऊंगी, प्रसाद बच जाएगा। तो अब यहाँ का घर का काम निपटा के फ्री हो गई हूँ, तो मैं आराम से तसल्ली से लड्डू बना सकती हूँ। और आज मुझे कोई भागम भाग नहीं है। हर व्लॉग में आप लोग देखते हो मैं भागती रहती हूँ, बस भागती रहती हूँ। मैं कहती हूँ ये भगवान मेरी लाइफ ऐसी क्यों हो गई है कि मेरे को बिल्कुल भी शांति से कुछ नहीं कर सकती हूँ। घर पे रहूं बाहर रहूं हर जगह मुझे धपड़ 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 दौड़ना ही पड़ जाता है। भी लेके किचन में चलती हूँ और साथ में लड्डू बनवाने पड़ेंगे आप लोगों के। शादी के लड्डू है, अकेले तो मैं बना नहीं सकती, तो आप लोगों को भी बनवाने पड़ेंगे। तैयार होना आप लोग, आ जाइए किचन में चलते हैं। तो ये कढ़ाई मैंने रख दी है, थोड़ी सी गीली थी तो मैंने कहा पहले इसको साफ कर लेती हूँ, और गैस ऑन कर दिया है। तो बस अब मैं निकालूंगी देसी घी जो मैंने घर का बनाया है। तो ये वही घी है जो मैंने बनाया था, और ये बिल्कुल ना ये देख सकते हैं लोटा कितना बड़ा है, ये पूरा भर के था। 1 किलो का लोटा 1 किलो घी बन गया था मेरा। भैया दूध बहुत अच्छा ला रहे हैं दूध वाले भैया, तो इसलिए घी खूब हो जा रहा है। तो ये आधा तो मैंने ना दूध जलाने के लिए आधा मंदिर में रख दिया है, क्योंकि घर का बना होता है तो शुद्ध होता है। और ये जो आधा बना है ना बचा है ना, और पहले का घी डाल लूंगी। अभी मैं बना रही हूँ जो लड्डू, तो बस से इसको मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसको ना पिघलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन करके इधर रख ही देती हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा पिघला लूंगी तब डालूंगी उसमें। तो ये घी ना थोड़ा सा ही देखिए मैं कही हूँ ना थोड़ा सा, तो ये हो गया है, अभी छोड़ दिया सब कुछ। इसको इस तरह से निकालती हूँ। अभी मैंने ले लिया है बेसन, और अभी लूंगी थोड़ा सा, 1 किलो से चाहे कमी है बेसन, और थोड़ा सा मैं अभी लूंगी इसमें सूजी। और ये लड्डू वैसे बनेंगे जैसे हमारे अयोध्या में ना हनुमानगढ़ी मंदिर में आप जाओ तो मिलता है, बस सेम वही बनाने वाली हूँ मैं आज। यहाँ पे ये ऊपर से भी घी निकल गया है पूरा, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, ऐसे पूरा घी का ये निकल गया है। अभी ये पिघल जाएगा धीरे धीरे करके, इसको नीचे दबा देती हूँ तो ये पिघलता रहेगा, और कम आंच पे कर देती हूँ ना, धीरे धीरे पिघलता रहेगा। 1 किलो बेसन था और आधा किलो घी अभी डाली हूँ, अभी बाद में देखती हूँ कम होता है घी तो और डल जाएगा। तो बस अभी मैं इसको 20 मिनट तक कम से कम सिम आँच पर ही भूनना पड़ेगा, क्योंकि तेज करूँगी तो जल जाएगा, इसलिए इसको कम आँच पे ही ना सिम पे ही भूनूंगी अच्छी तरीके से, बिल्कुल ब्राउन होने तक। और जैसे ब्राउन हो जाएगा ना खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो इसमें अभी थोड़ा सा घी और डालना पड़ेगा, मैं डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है, मैं इतनी सी देख सकते हैं आप लोग सूजी डाल रही हूँ, ताकि पता है क्या इसका टेस्ट फिर वैसे ही आएगा हनुमानगढ़ी वाले मंदिर का। इसमें मैंने घी और डाल दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग, अब घी इसमें अच्छी तरह से हो गया है और कम पड़ेगा तो मैं, वो कम लगेगा तो मैं बाद में और भी डाल सकती हूँ, पर अब मुझे लगता नहीं कि डालने की ज़रूरत है, अब तो घी अच्छा लग रहा है इसमें। यहाँ पर सिम पर वो भुन भी रहा है, और तब तक मैं बादाम भी काट लेती हूँ लगे हाथ। देखिए बादाम पतले पतले बारीक बारीक काट के बीच में डाल दूंगी ना, तो थोड़ा लड्डू और देखने में सुंदर लगेगा। मैंने ले लिए बादाम, कट चुके हैं, और ये भी मेरे एकदम अच्छे से ब्राउन हो चुका है, भुन चुका है, अब इसमें डाल दी हूँ मैं। और थोड़ा सा हल्का सा अब ये ना ठंडा हो रहा है, और ना जरा जरा सा मतलब ठंडा हो जाए, बिल्कुल गर्म में इसमें नहीं डालनी है चीनी। और चीनी क्या पिसी चीनी डालनी है, आप पिसी चीनी डाल सकते हो या बूरा जो आता है वो डाल सकती हैं। तो बस इसमें और कुछ नहीं डालना होता है, और ये सूजी का ना क्रंचीपन आएगा खाने में, तो ये बिल्कुल ही हनुमानगढ़ी वाले लड्डू बनेंगे ये। अभी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है तो मैं अभी टच कर रही हूँ, थोड़ा सा गर्म मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब मैं डालती हूँ। बूरा लिया है और बस मैं पीसी चीनी की बजाय यही डालने वाली हूँ, तो आप पीसी चीनी भी डाल सकते हैं। 1 किलो है हमारा
बेसन तो 3 कटोरी डालनी पड़ जाए। 3 कटोरी लिया है और ये कटोरी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो 3 कटोरी मैंने अंदाज से ले लिया है। तो बादाम इससे पहले डल गई थी, भूरा अब डल गया, अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और ये हल्का ही गर्म है, अब ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बालकनी में बैठ के मैं लड्डू बना ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बनाना था ना तो किचन में मैं खड़े खड़े थक गई, तो बस यहाँ पे मैट बिछा के बालकनी में बैठ गई हूँ और आराम से बना रही हूँ तसल्ली से। और मैंने ले लिए केले, क्योंकि केले लेने के बाद अब मैं मंदिर जाऊँगी सीधे। आ चुकी हूँ बालाजी मंदिर, पहुँच चुकी हूँ केले लेके, और अब थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते, तुलसी माता का तैयार कर देती हूँ, उसके बाद फिर घर जाऊँगी। यहाँ पर मैं तुलसी माता का श्रृंगार कर रही हूँ, और आज हमने इस तरह से देखिए साड़ी पहना दी है तुलसी माता की, और इस तरह से चुन्नी भी लगा दी है। तो बस अभी गजरा वगैरह भी लग रहा है, परांदे वगैरह भी लग रहा है, क्योंकि यार दुल्हन की ना मुंह दिखाई है। फाइनली आप लोग देख सकते हैं तुलसी माता का श्रृंगार हो गया है, और ये देखिए पायल भी हो गई है उनकी, तगड़ी बना दिया है इस तरह से, और इस तरह से ये परांदी भी हो गई है, और पर्स फिर से माता रानी लटका ली है, और आज इनकी होगी मुंह दिखाई। और साड़ी देखिए कैसे घेर इसका फैला के माता रानी बैठी हुई है। तो अभी बस मुंह दिखाई होने वाली है, थोड़ी देर में मिलते हैं। वाली हूँ ये वाली साड़ी, और ये भी बिल्कुल न्यू साड़ी है, आज ही पहनूंगी इसको फर्स्ट टाइम। और ये रेड कलर की है, रेड कलर की मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, और ये इससे मिलती जुलती मेरे पास पहले भी थी, लेकिन ये मेरी बहन ने दे दी है। बस इसमें इतना फर्क है कि इसमें ये देखिए ये ना थ्रेड वर्क है इसमें, उसमें ये नहीं है, वरना एक ही लगती है साड़ी। तो मेरे बर्थडे पे दे दी थी मेरी बहन ने, तो बस अब पहनती हूँ इसको ही, आज नई है, और आज तुलसी जी, आज पूर्णमासी भी है, इतना शुभ दिन है, तो मैंने कहा बस इसका भी नंबर आज लगा ही देती हूँ। तो फाइनली मैं ये साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ, और कान में मैंने ये पहन लिए हैं, और गले में तो नया मंगलसूत्र है, तो फिर इसको चेंज करने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने इसको नहीं बदला है। और इतना बड़ा फंक्शन भी नहीं है कि मैं गले में कोई हैवी पहनूं, छोटा सा तो कीर्तन है, तो बस मैं कान में ये पहन ली, और ये साड़ी आज मैं पहन के चल पड़ी अपनी तुलसी माता की मुंह दिखाई में। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, और अब मैं मंदिर में मिलती हूँ। मैं लड्डू भूलती जा रही थी फ्रिज में ही, अभी बिल्कुल ही याद आया है, तो मैं तुरंत ही फिर सीढ़ियों से वापस आई हूँ। फ्रिज में लड्डू बना बना के ना ऐसे ही देखिए ऊपर नीचे ये दोनों प्लेटें रख दी थी, कि ताकि ये ना डालने में आसानी हो जाए, थोड़ा जम जाएगा ना, घी है तो ठीक रहे। डाल लिए हैं, और अब देखती हूँ इस डब्बे में कितना आता है और इस डब्बे में कितना आता है, फटाफट डालती हूँ, तो फटाफट डालती जाती हूँ, देखती हूँ कितना आता है। और भर गया है, और दोनों प्लेट्स आप लोग देख सकते हैं, दोनों प्लेट भी खाली हो गई है, तो बस इसको मैं किचन में रख देती हूँ, इसको भी जल्दी से भर लेती हूँ, और इसको भी बंद कर लेती हूँ मैं फटाफट। अब थैले में मैं रख लेती हूँ, बस दोनों में लड्डू आ गए हैं, और अब अपना मैं इसमें पर्स भी डाल लेती हूँ, हैंकी भी डाल लेती हूँ, बस अब मुझे क्या करना है, चलती हूँ। ये हो गया मेरा थैला रेडी। जा रही है बहू के लिए, अपनी बहू के लिए स्पेशल, आप लोग सुनिएगा जरूर। तुलसी माँ, बहू मतलब तुलसी माता।
तो यहाँ पर 2 दिन के लिए मैं अपनी तुलसी माता को घर लाई हूँ। एक बार हम तुलसा जी को यही रख देते हैं। लो भाई तुलसा जी की मिठाई भी और शालिग्राम जी भी, इनको बैठाओ, कहाँ बैठाओगे? शालिग्राम जी को यही मिठाई माता फूफा जी नाराज हो गए थे। फूफा जी हाँ, ये आपका नेक दे रही हूँ। अब खुश हो फूफा जी? बिल्कुल खुश हूँ मैं। आशीर्वाद हाँ, देके जाना मेरी बेटी और दामाद को है। फूफा जी आप हमें आशीर्वाद दो सारे जी। बहुत हो गया, ऐसा कुछ कर सके। चलो अब फूफा जी आ गए, अब फूफा जी विदाई करा के जा रहे हैं। फूफा जी की विदाई हो गई, अब चलते हैं। तो फूफा जी चल रही है, हमें पर्स लेके वो आए इसीलिए थे आज कि उनका है ना वो बच रहा था शगुन। सही बात है, बिल्कुल मैम ये तो है। बस मैं सपना को छोड़ के आ गई हूँ उसके घर पे, और अभी टाइम हो गया है, 7 बजने वाला है और मुझे लाइव आना है आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं लाइव आती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। जुड़ने वाले होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं पहले लाइव आ जाती हूँ। और मैं जल्दी जल्दी गई हूँ छोड़ के ना, सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ तो मेरी सांस भी। तो अगर ये वीडियो आज पूर्णिमा स्पेशल ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।